जॉन आपसे जानना चाहेंगे, पसंद ज्यादा क्या आता है, एक्टिंग या प्रोडक्शन? आई थिंक बोथ, लेकिन एक्टिंग इज माई फर्स्ट लव, एंजॉय एक्टिंग. जॉन का काफी कुछ काफी ट्रांसफॉर्मेशन रहा, सो आफ्टर गेटअप्स आए आपके, काफी जगहों पर शूट किया, कितना मतलब कहाँ से इंस्पायर होते आप, जिस तरह जुनून रहा आपका? जी एक्चुअली क्रेडिट तो मैं रॉबी ग्रेवाल को देना चाहता हूँ, क्योंकि आइडिया उनका था, स्क्रिप्ट भी उनका ही है, और जिस तरीके से उन्होंने स्क्रिप्ट को मोल्ड किया था, जो कैरेक्टर प्रोग्रेशन था उसमें 18 डिफरेंट गेटअप्स थे. आई प्ले अ गाय फ्रॉम द एज ऑफ 26 टिल ही इज 85, तो काफ़ी डिफरेंट गेटअप्स थे इसमें, और इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग, बहुत मज़ा आया, वी एन्जॉयड इट. काफ़ी टायरिंग भी रहा, लेकिन गेटअप्स तो कोई भी कर सकता है. आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कैरेक्टर प्रोग्रेशन, और कैरेक्टर को कैसे ग्रास्प में लाना, सीखना कैरेक्टर के बारे में, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा वो जर्नी. काफ़ी क्लासेस किए थे हम लोगों ने बिफोर वी स्टार्टेड ऑफ, सो इट वॉज रियली रियली फैंटास्टिक बाय द एंड ऑफ इट. What about your physical transformations? Because of course आपने इतने सारे ages का बताया है, तो किस तरीके से आपने you know शायद weight lose भी किया है उस चीज के लिए? Yeah, there was of course there was a massive weight loss उस time पे, लेकिन I think like I said physical transformation से ज़्यादा, क्योंकि transformation तो कोई भी कर सकता है. आप you know being an old man आपने देखा है मेरे Instagram पे, you can do it. उससे ज़्यादा इज हाउ डू यू प्ले द कैरेक्टर. वो प्लेइंग द कैरेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि आज के तारीख में थैंकफुली व्हाट पीपल से इज दैट यू नो वी स्टॉप्ड आस्किंग जॉन अब्राहम अबाउट कितने किलोस कम और ज़्यादा किए इसने, इट्स मोर अबाउट हाउ ही परफॉर्म्ड हिज कैरेक्टर्स. तो परफॉर्मेंस पे हमने ज़्यादा गौर दिया है, वी कॉन्सेंट्रेटेड अ लॉट ऑन द परफॉर्मेंसेज, और आई थिंक होपफुली एंड आई होप यू आर ऑल्सो फील द सेम कि इस फिल्म में जो परफॉर्मेंसेज है आपको अच्छे लगेंगे. John also, you know, पहले आपने सत्यमेव जयते की परमाणु के, now this is wrong. Somehow you are striking a patriotic chord with every film. What do you want to say about that? It is coincidence that I'm doing it with every film, but of course I am an India lover, and I think anybody who doesn't love their country has a problem. So I really love my country. फर्क सिर्फ इतना ही कि I feel I love my country more than anybody loves India. So I feel ये by default है, by design नहीं है. मैं कॉमेडी भी कर रहा हूँ, पागलपंती कर रहा हूँ अभी अनीस बाजमी के साथ, उसके बाद अजय जो मेरे प्रोड्यूसर है इनके साथ वी आर को प्रोड्यूसिंग फिल्म ऑन मोटरसाइकिल रेसिंग. सो यू नो इट्स गुड दैट ही ऑल्सो लाइक्स टू एक्सपेरिमेंट, मैं भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ. तो हम लोग कोई स्पेसिफिक ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे हैं. विकी डोनर जब हमने प्रोड्यूस किया था, दैट बिकेम अ ट्रेंड. बधाई हो, शुभ मंगल, सावधान, एवरीथिंग हैपेंड आफ्टर दैट. मद्रास कैफे जब भी हमने करी थी उसके बाद वो एक ट्रेंड बन गया था, क्योंकि किसी ने मुझे पूछा था उस टाइम पे कि विच फिल्म इज़ मद्रास कैफे लाइक. तो मैंने कहा हिंदी सिनेमा में ऐसी कोई फिल्म बनी नहीं है, तो मैं आपको क्या बताऊँ. तो मैंने कहा कि आर्गो जैसे बनी है शायद, जो एक इंटरनेशनल फिल्म थी. तो मैंने कहा आर्गो ठीक है, देखते हैं. बट मद्रास कैफे पीपल एन्जॉयड. जो हमारे स्टूडियो है वायकॉम, दे प्रोड्यूस्ड मद्रास कैफे. तो रॉ एक अलग ही जानवर है. जब भी आप रॉ देखोगे यू विल से यार हमने तो सोचा कि ये एक रेगुलर पेट्रियाटिक फिल्म है, लेकिन दिस इज़ नॉट योर रेगुलर पेट्रियाटिक फिल्म. इसमें काफ़ी शेड्स ऑफ ग्रे है. एंड व्हेन यू सी इट यू विल अंडरस्टैंड कि इज ही अ स्पाई, इज ही अ हीरो, इज ही अ ट्रेटर, क्या है. एंड आई थिंक दिस फिल्म विल रिवील अ लॉट फॉर यू. हाँ, देशभक्ति के प्रति ज्यादा फिल्में ले रहे, कॉमेडी भी कर रहे हैं, तो जब एज एन एक्टर कोई अप्रोच करता है जॉन को स्क्रिप्ट लेके, तो पहले जब सिलेक्ट करने के पहले मतलब क्या एक जहन में बात आती है स्क्रिप्ट सिलेक्ट? जी मैं फॉर्चुनेटली मेरे लिए और फॉर्चुनेटली मेरे प्रोडक्शन हाउस के लिए और फॉर्चुनेटली आई थिंक फॉर एवरीवन इज मैं एक ऑडियंस की तरह सोचता हूँ. अगर मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ या नरेशन सुनता हूँ तो अगर मुझे हंसी आती है, रोना आता है, नॉट बिकॉज द स्क्रिप्ट इज़ बैड, बट रोना आता है बिकॉज इट्स इमोशनल, या मुझे कुछ अच्छा लगता है स्क्रिप्ट में, स्क्रीन प्ले वाइज या प्लॉट बहुत अच्छा है, एज एन ऑडियंस इफ आई लाइक इट ऐसे मुझे करना है. उसके बाद मैं सोचता हूँ यार इसमें मुझे परफॉर्म भी करना है, अभी कैसे करूँ. स्क्रिप्ट तो अच्छी लगी मुझे, क्योंकि इफ़ द पेंटिंग लुक्स गुड ऑल द कैरेक्टर्स इन द पेंटिंग स्टार्ट लुकिंग गुड. तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही
स्क्रिप्ट चुने, उसके बाद एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस. और जब से मैं प्रोड्यूसर बना हूँ, आई थिंक द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इज गॉन अप एंड यू नो एवरीथिंग इज चेंज्ड इन माय करियर. क्योंकि अभी यू नो वी एटलीस्ट यू नो व्हेन यू हैव लाइक माइंडेड पीपल, इवन लाइक अजय, यू नो यू एटलीस्ट हैव द पावर टू से नहीं यार अजय हम लोग ये करते हैं, या स्टूडियो को हम लोग बोलते हैं हम लोग ये करते हैं, हम लोग ये ट्राई करते हैं, ये कोशिश करते हैं. ये ट्रेंड में नहीं है, अभी सारे लोग साउथ इंडियन फिल्म्स कर रहे हैं, क्यों ना हम कुछ अलग ही करके अलग भाषा में कुछ बोले. एंड दे से यार आर यू श्योर दिस कैन हैपन. एंड फॉर्चुनेटली फॉर अस यू नो अगर कोई साथ में कोई सहमत है देन वी मेक इट हैपन. तो इसीलिए हम लोग अलग किस्म की फिल्म्स कर रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर गोइंग टू वर्क होपफुली. When I produce a film, when I act in a film also, I am a director's actor. जैसे हमारे जो बहुत famous director है internationally, Steven Spielberg, उन्होंने कहा था कि an actor is as good or bad as his director. क्योंकि director jockey होता है, actor तो घोड़ा होता है. आप उनको उल्टी direction में भगा वो भागेगा, you know. So it's important to send the actor in the right direction. And of course we are all thinking actors, hum log sochte hain character ke bare mein, hum log character ko pakadne ki koshish karte hain, and then we question our director ki nahi mujhe lag raha hai ki ye hoga ye hoga, we question. Aur agar hamara director thoda weak nikla na, we take over, which is very dangerous for a director. Mere life mein jaise Abhishek Sharma, Robbie Grewal, ye bahut Nikhil Advani, बहुत ही श्योर डायरेक्टर्स हैं. अनीस भाई, उसके वो मतलब उनका जो क्राफ्ट है वो 100% है, आप उनको कुछ बोल ही नहीं सकते हो. सो व्हेन अ डायरेक्टर सो कॉन्फिडेंट, उनको पता होता है कि उनका क्राफ्ट क्या है, द फिल्म इनवेरिएबली टर्न्स आउट वेरी गुड. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. आई डोंट थिंक देयर इज, मतलब आई डोंट नो, एक होता है कि हाँ एक एक्टर्स जो अंदर जाते बाहर आते खुद अपने एक्टर्स में बोलते व्हाट अ ब्यूटीफुल फिल्म, व्हाट फैंटास्टिक, वो ना, हाँ वो होता है. आई थिंक इट्स गुड, इट्स मे बी इट्स हेल्दी एंड ऑल दैट. लेकिन ऑडियंस इज वेरी स्मार्ट, दे रियलाइज के नहीं यार ये मतलब वो सेटिंग बन गया है, कुछ हो रहा है यहाँ पे, विच इज़ गुड. आई थिंक इट्स वेरी हेल्दी. कॉमराडरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है. आई वुड लव टू गो एंड प्रमोट एवरी एक्टर्स फिल्म, मैं करना चाहता हूँ, बट जेन्यूनली फ्रॉम माई हार्ट मैं ट्रायल्स नहीं देखता हूँ तो मैं कर नहीं सकता हूँ. करण मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, करण जोहर, आई लव हिम, आई रियली लव करण. परमाणु के टाइम पे ही केम, ही सजेस्टेड चेंजेस इन द फिल्म एंड ही सेड जॉन आप वैसे करो वैसे करो, ही हेल्प मी. सो If it's for any of his films, I will go. Varun मेरा अच्छा दोस्त है, I will 100% go. Tiger मेरा अच्छा दोस्त है, I will definitely go. लेकिन मैं करेक्ट नहीं बन सकता हूँ एक ऑडियंस के लिए. मतलब प्राइवेट में सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करके हु एम आई ट्राइंग टू टेल यू कि मैं बहुत अच्छा हूँ यार, इसके बारे में अच्छा बोला, मेरी फिल्म है भी नहीं, इसके क्या अच्छा बोला मैंने. सो आई कॉन्ट डू ऑल दैट, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. क्योंकि सब लोग ने मुझे, मैं दिल्ली जाके आया हूँ और वहाँ पे काफी प्रेस से मिला हूँ मैं, एंड द वन क्वेश्चन एवरीबॉडी इज आस्किंग मी इज व्हाई डिडंट यू डू अ लव स्टोरी, रोमांटिक फिल्म. और मैं आई वुड लव टू डू इट, बट आई नीड द राइट स्क्रिप्ट टू डू अ लव स्टोरी. एंड अगर एक स्क्रिप्ट मिल जाए अच्छा, आई वुड लव टू, क्योंकि मेरा जो लव है ज़्यादातर मेल एक्टर्स की तरफ ज़्यादा होता है, अभिषेक बच्चन. आई नीड टू नाउ शिफ्ट गियर्स, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. सो आई रियली नीड टू शिफ्ट गियर्स एंड आई थिंक आई नीड टू डू अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल लव स्टोरी. लेकिन कुछ मुझे ऐसा मिला नहीं. गरम मसाला मोनी इज़ फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. उनका जो वर्क रेट है, जिस तरीके से वो इतनी प्रोफेशनल है, टैलेंटेड है, शी इज़ अ ब्यूटिफुल पर्सन. आई मीन एवरीथिंग अबाउट मोनी इज़ राइट. वो कुछ गलत करती नहीं,
तो हमेशा मुस्कुराती है, कभी ना नहीं बोलती है सेट पे अगर करना है ये करना है। कल हम लोग प्रोग्राम में गए थे, उसके हाथ पे कुछ लगा था यहाँ पे, शी हैड एन ऑपरेशन ऑन हर एल्बो, मतलब एक दे टुक आउट सम कैल्शियम डिपॉजिट और समथिंग, बट इन ऑल दैट पेन शी केम, शी डांस्ड ऑन स्टेज। तो बहुत अच्छी लड़की है एंड आई थिंक यू नीड पीपल लाइक हर हु आर प्रोफेशनल एंड एवरीबडी आई थिंक आई वर्क विद अमंग्स द एक्ट्रेसेस हैव बीन फैंटास्टिक ऑल द एक्ट्रेसेस। सिंगर भी बहुत अच्छी है, आई डेंट नो, हम लोग कल गए थे एक म्यूजिक प्रोग्राम में एंड शी स्टार्टेड सिंगिंग अजय, और अजय म्यूजिक में है काफ़ी, हिज चॉइस ऑफ म्यूजिक इज फैंटास्टिक, सो ही नोज दैट गर्ल वॉज सिंगिंग सो वेल। उसके बाद उन्होंने कहा कि जॉन व्हाई डोंट यू, बस बहुत हो गया अभी, लेट्स नॉट गेट एक्साइटेड। प्रमोशन हेल्प्स अ फिल्म ओनली टू टेल पीपल दैट दिस इज द डेट द फिल्म इज रिलीजिंग ऑन। उसके बाद देर इज समथिंग कॉल्ड वर्ड ऑफ माउथ, दैट इज द ओनली थिंग दैट विल टेक योर फिल्म थ्रू। आई कैन कम ऑन द इंटरनेट एंड से फास्टेस्ट 100 मिलियन व्यूज, फास्टेस्ट 50 मिलियन, 200 मिलियन व्यूज, और माई प्रोड्यूसर कैन, विच ही डज नॉट डू विच इज़ गुड, बट ही कैन ईजली कम टू मी एंड से जॉन देखो ना आप ट्रेन कर रहे हो, नंबर टू पे आप ट्रेन कर रहे हो ऑन द, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, ऑन ट्विटर, इट डजेंट मेक अ डिफरेंस। फाइनली द क्वालिटी ऑफ योर फिल्म इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू मेक अ गुड फिल्म the audience will come, you cannot fool the audience. Okay, John, you know, inside Apple family release or your PM Narendra Modi ki release ho gayi, to competition ko kaise dekhte hain? I haven't, I'm sorry, you know, I would really wish them all the very best, but I haven't seen the trailer of PM Modi, so you, maybe you can tell me, how is the trailer? You liked it? Sorry? Okay. No, I haven't seen it. सो बट ओके आई कैन ओनली से दैट मैं उमंग कुमार को जानता हूँ पर्सनली, बहुत अच्छे इंसान हैं, इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, आई ऑल्सो लाइक हिम बिकॉज ही लव्स एनिमल्स, तो मैं उनको बहुत चाहता हूँ एंड आई ओनली विश द बेस्ट फॉर हिम एंड विवेक एंड एवरीबडी इन दैट फिल्म इन्वॉल्व, क्योंकि किसी और फिल्म के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, आई रियली डोंट थिंक, और एज अ प्रोड्यूसर आई से दिस, एज एन एक्टर आई से दिस, हर फिल्म को चलनी चाहिए, इट विल हेल्प ऑल ऑफ अस। And I'm sure you've heard that with other actors also saying it, but it's a fact. Film, because I know numbers, so I'm telling you, every film should work. I hope any film that's releasing with us also, August 15th pe bhi hum log aa rahe hain, do aur filmein aa rahi hai. I will only pray those films work. Har film ko chalni chahiye, that's what I say. John, jis tarah 2 saalon mein aapka graph bahut hi upar gaya hai, to kuch responsibility as a actor ya pressure bade aata hai aap par? Yeah. ह्यूज, क्योंकि अगर ये अभी नहीं, आप नहीं सोच सकते हो कि आई विल पिक अप दिस, चलो यार इसको साइड में हटा देते, जल्दी ये करके निकाल देते, नो, हर एक फिल्म के साथ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। ऐसे भी हुआ है इनके साथ, जो हमारी फिल्म हमने अनाउंस की थी, वी वर वर्किंग ऑन अ स्क्रिप्ट फॉर 2 ईयर्स, और 2 साल के बाद उस स्क्रिप्ट को पकड़ के हमने साइड में कर दिया, क्योंकि हूएवर हर्ड इट सर इट्स फैंटास्टिक, बट वी थॉट नहीं यार दिस इज 90%, इट्स नॉट 100, सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एट अनदर लेवल नाउ। सो जॉन, थैंक यू आज भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उसके बारे में क्या कुछ थॉट्स है? सो दिस फिल्म इज नॉट एंटी एनी कंट्री, इट इज नॉट, आज के माहौल में भी मैं यही कहना क्लियर करना चाहता हूँ, इट्स नॉट एंटी एनी कंट्री, इट्स नॉट एन एंटी रिलीजन फिल्म एट ऑल, इट्स अ वेरी प्रो इंडिया फिल्म, यू नो, एट द सेम टाइम इट्स अ फिल्म अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप्स, तो हम लोग ने उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है, और फिल्म इज़ अ स्पाई थ्रिलर, जो थ्रिलिंग एलिमेंट है एस्पियोनाज का, उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया, और ये फिल्म बहुत बड़ी है क्योंकि द बैकड्रॉप इज ऑफ अ वॉर, जो आपने देखे ट्रेलर में, द प्लेन ओपनिंग एंड द बॉम्ब्स कमिंग डाउन, सो इट्स अ ह्यूज फिल्म इन दैट रिस्पेक्ट, एंड वी दिस अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट द फैक्ट्स राइट, तो वी कैन नॉट गेट इन टू प्रोपागैंडा या बैशिंग, वो कुछ नहीं, वी मेड अ वेरी ऑनेस्ट फिल्म, और रॉबी एक बहुत ही ऑनेस्ट डायरेक्टर है, आप कुछ भी बोलो उसे, ही वोंट गेट स्वेड, ही वांट्स टू मेक हिज फिल्म। क्यों मिल रहे हैं ना, हाँ लव स्टोरीज, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट?
What is my? They should go for it. No, no, you for love story. No, I'm saying they should go for it. You want to go for original story. I want to do what I want to do. I will set the trend and let people follow. I don't want to do what everybody does, not because I want to be different, but I want to do what I'm convinced with, not where everything is working and I'm confused. Kis ye chal raha, chalo ye bhi karte. I don't want to do that. He doesn't want to follow anything like what we are doing right now. Yeah. We're doing everything new. But let me tell you this. Tomorrow, if a South Indian remake I see and I really like it, I will do it. So it's not some trend that I want to follow. I'm just doing what I like to do. But if they're doing it, I wish them all the very best. Because I'm sure they're thinking it through before they do it.